ओम शांति। भारत त्योहारों का देश है, उमंग उत्साह का प्रदेश है, भक्ति संपन्न धर्म भूमि है, और यही धर्म कथाओं का अवलोकन ही समस्त विश्व को आध्यात्म की राह दिखाता है। नवरात्रि एवं विजयादशमी भी अपने साथ अनेक रहस्य लेकर आती हैं। मानव इन रहस्यों को समझ करके अपने जीवन को सार्थक बना सकता है। वास्तव में देखा जाए तो नवरात्रि के 9 दिन देवी के शक्ति रूप की, 9 दुर्गा रूप की सभी भक्त श्रद्धा भाव से आराधना करते हैं और हर दिन के विशेष रूप को याद कर अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने की चेष्टा भी करते हैं। परंतु क्या आप जानते हैं कि यह 9 रूप 9 पड़ाव को दर्शाता है, जिससे माँ दुर्गा की भांति हर मानव देव पद को प्राप्त कर सकता है या स्वयं भगवान शिव को अपना साथी बना सकता है। नवरात्रि माता पार्वती के मानव अवतार का आध्यात्मिक यात्रा का यादगार है, जिसके माध्यम से वह शिव संगिनी शिव प्रिया बनी। तो जो भी मनुष्य इस यात्रा पर कदम रखता है तो वह भी परमपिता परमात्मा शिव का प्रिय बन जाता है। आध्यात्मिक यात्रा अर्थात मानव रूप में हर आत्मा अपने अंदर की दिव्यता पवित्रता एवं शक्ति रूप को उजागर कर सके। इस यात्रा का सर्वप्रथम पड़ाव शैलपुत्री रूप, जिसमें शीला व पर्वत जैसी धैर्यता एवं दृढ़ता है, जो यह दर्शाता है कि मनुष्य को इस पथ पर स्वयं के अंदर दृढ़ता एवं धैर्यता को सर्वप्रथम स्थापित करना होगा। दूसरा रूप ब्रह्मचारिणी का तपस्वी रूप, जो ब्रह्मा जैसा आचरण दिखाता है, जिसे धारण कर मनुष्य अपने मन बुद्धि एवं संस्कारों को ब्रह्मा समान ज्ञान एवं शुद्धता से संपन्न बना देता है। तीसरा रूप चंद्रघंटा देवी, जिसका तीसरा नेत्र सदैव खुला रहता और मस्तक पर घंटे के रूप में आधा चंद्रमा शीतलता एवं शौर्य का प्रतीक है, जो मानव को अपने कर्मों में ज्ञान और गुण दोनों का संतुलन सिखाता है। चौथा रूप कुशमंदा देवी, जिनकी मंद मंद हंसी से संसार का जन्म संभव होता है, अर्थात जब मनुष्य हर परिस्थिति में मुस्कुराना सीख जाता है तो वह ऐसा संसार बना देता है जहाँ सदैव खुशी एवं प्रेम का पसार होता है और जीवन में अलौकिक तेज जन्म लेता है। पांचवा रूप स्कंद माता का, जिनकी कृपा से मूर्खता भी ज्ञान सागर में परिवर्तित हो जाए, अर्थात जीवन को ऐसी पालना दे, ऐसा संग दे जिसके सानिध्य में जीवन अर्थ संपन्न बन जाए। छठा रूप कात्यायनी देवी, जिस रूप में महिषासुर का संहार किया, अर्थात शक्ति का प्रतीक, जिस द्वारा मानव स्वयं के भीतर के आसुरी वृत्तियों को समाप्त कर सकता है। सातवां रूप कालरात्रि का, जो कि अंधकार को समाप्त करती है। यह आध्यात्म यात्रा का वह पड़ाव है जिसमें मनुष्य स्वयं में आत्म जागृति के प्रकाश से अज्ञान के अंधकार को समाप्त कर ज्ञान की रोशनी से जीवन को समर्थ बना देता है। आठवां रूप महागौरी का, जो शुद्धता श्वेत वर्ण सुंदरता का प्रतीक है, जिस द्वारा मानव स्वयं के इस जन्म को ज्ञान गुण और शक्तियों से श्रृंगारित कर आत्मा को दिव्यता पवित्रता से सुशोभित कर देता है।
नौवा रूप सिद्धिदात्री यह आध्यात्मिक यात्रा का अंतिम पड़ाव है, जिस द्वारा मनुष्य अष्ट शक्तियों का स्वामी बन जाता और जीवन में हर सिद्धि को प्राप्त करता है। तो जो मानव स्वयं में दृढ़ता धैर्यता को स्थापित कर तपस्या द्वारा अपने मन बुद्धि संस्कारों में ब्रह्मा जैसा आचरण ला करके ज्ञान के तीसरे नेत्र को सदैव खुला रख जीवन में संतुलित स्थापन करता, सत्य के संग के आधार से अभय होकर हर परिस्थिति का स्वागत मंद मुस्कान से कर जीवन को समर्थ बना देता है, स्वयं के भीतर के आसुरी तत्व का संहार कर शक्ति रूप बन दिव्यता पवित्रता से आत्मा को श्वेत एवं शुद्ध बना देता है, वही जय को प्राप्त करता है और ईश्वरीय शक्तियों का अनुभव कर शिव शक्ति स्वरूप बन जाता, जिसे दसों विकारों को हर सकता है। इसी का यादगार दशहरा मनाते हैं, जिससे मानव देवत्व को प्राप्त करता है। तो वर्तमान समय में ऐसी अलौकिक आध्यात्मिक यात्रा पर अग्रसर हो जाएं, रामेश्वर परमपिता परमात्मा शिव को अपना साथी बना ले और अंतर जगत में बसे रावण एवं दसों विकारों का वध कर विजय रूप बने। इसी की निशानी आप सभी को विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। ओम शांति।